हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो दोस्तों, अगस्त ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और अगर आप सितंबर में नया फोन परचेस करने का सोच रहे हैं तो आज हम आपको 10 ऐसे फोन के लिस्ट देंगे जिन्हें आप परचेजिंग लिस्ट में कंसीडर कर सकते हैं। और दोस्तों, इस लिस्ट में हर बजट के फोन इंक्लूडेड हैं। हम 7000 से लेके 30000 तक के फोन के लिस्ट आपको देंगे। आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी इनमें से परचेस कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप नए चैनल में तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। एंड दोस्तों, अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हैं तो आप एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है एंड हम आपके लिए कुछ इसी तरह के नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बजट रेंज से। तो दोस्तों, अगर आपका बजट 7000 से लेके 8000 के बीच में है तो आप परचेज कर सकते हैं Realme का C11। इसमें मिल जाता है MediaTek Helio G35 प्रोसेसर और साथ में बहुत सारे यूनिक फीचर्स जो इस प्राइस रेंज में आपको नहीं मिलेंगे। आप और भी मोबाइल कंसीडर कर सकते हैं लाइक Xiaomi Max, जो बिल्कुल न्यूली लॉन्च्ड है और शायद आज ही उसका सेल भी है। सो दोस्तों, आप वो सारे फोन भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस बजट रेंज में आपको इससे अच्छा फोन नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं 10000 के प्राइस रेंज में, जहां पर आकर एक टिपिकल बंदा हमेशा ही कंफ्यूज होता है। और दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग ब्रांड्स में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन दोस्तों मैंने इस लिस्ट में सिर्फ दो ही फोन को ऐड किया है। पहला है Moto G8 Power Lite, जिसमें आपको मिल जाता है MediaTek Helio P35 प्रोसेसर एंड 5000 mAh की बैटरी। तो दोस्तों, अगर आपको ज्यादा टेक का काम नहीं है, आपको बस बेसिक काम करना है, तो आप ये Motorola वाला फोन परचेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इससे थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए तो आप परचेस कर सकते हैं Redmi 9 Prime। ये भी आपको इसी बजट रेंज में मिल जाएगा। इसमें आपको मिलता है MediaTek Helio G80 प्रोसेसर, साथ में फुल HD डिस्प्ले और 5000 mAh की बैटरी। तो दोस्तों, आप ये फोन भी अपने परचेज लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 15000 के रेंज में। अगर आपका बजट 10000 से 15000 के बीच में है और अगर आप एक सैमसंग फैन हैं, तो आप सैमसंग का एक फोन परचेस कर सकते हैं। इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M21। इसमें आपको मिल जाता है 6000 mAh की बैटरी, साथ में बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स। सो दोस्तों, अगर आप एक सैमसंग फैन हैं तो आप ये सैमसंग वाला फोन परचेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इसी प्राइस रेंज में बहुत ही बेहतरीन फोन परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हैं पोको M2 Pro, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं लाइक फास्ट चार्जिंग, अच्छा डिस्प्ले एंड इसमें दिया गया है स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर, जो बहुत ही फास्ट है अगर हम कंपेयर करें सैमसंग के गैलेक्सी M21 से। सो दोस्तों, अगर आप सैमसंग परचेज नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप ये पोको का फोन परचेज कर लीजिए। बहुत ही अमेजिंग फोन है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। और दोस्तों, करीब करीब इसी प्राइस रेंज में आपको एक और फोन मिल जाता है जो बहुत ही फेमस है एंड ये सीरीज काफी दिनों से मार्केट में छा रहा है। दोस्तों, ये है Redmi Note 9 Pro। इसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं एंड दोस्तों, अगर आपने पहले Redmi यूज किया है तो आप डेफिनेटली समझ सकते हैं कि Redmi कितना बेहतरीन फोन है। और दोस्तों, अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं तो इसी सितंबर में एक और फोन लॉन्च होने वाला है जिसके स्पेसिफिकेशंस और भी बेहतरीन है। वो है Realme का 7 सीरीज। दोस्तों, इसमें आपको मिलेगा Realme 7 एंड 7 Pro। इसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स अभी आने वाले हैं। दोस्तों, ये फोन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं तो आप इस फोन का वेट कर लीजिए। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 20000 के प्राइस रेंज में। तो यहां पर आपको मिल जाएगा पोको की तरफ से आने वाला X2, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं और ये फोन बहुत ही डिमांड में रहता है। दोस्तों, इसमें आपको मिल जाएगा बड़ा बैटरी, बड़ा स्क्रीन, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 730G, 120Hz का डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा पैकेज बन जाता है 20000 के प्राइस रेंज में। आगे बढ़ते हैं, अगर आपका बजट 20000 से लेके 25000 के बीच में है तो आप एक फोन परचेस कर सकते हैं जो हालांकि पिछले साल का फोन है लेकिन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, जिसका नाम है Redmi K20 Pro। और ये अभी आपको मिल रहा है 23000 रुपए में। इसमें आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर,
साथ में एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है और बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स इसमें भी आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपका बजट 20,000 से लेकर 25,000 के बीच में है तो आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को परचेस कर लीजिए। इसमें बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, 23,000 में इससे बेहतरीन फोन आपको नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आपका बजट अगर 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में है तो आप परचेस कर सकते हैं OnePlus की तरफ से आने वाला Nord। दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन पैकेज है, ये एक बिल्कुल बैलेंस्ड फोन है, इसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं। इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है वो है Snapdragon की तरफ से आने वाला 765G, साथ में 5G सपोर्ट करता है एक सिम में, ऑक्सीजन OS दिया गया है और 90Hz का डिस्प्ले इसमें आपको मिल जाता है। सो दोस्तों OnePlus Nord एक बिल्कुल बैलेंस्ड पैकेज है। अगर आपको अच्छा कैमरा चाहिए, वाइड एंगल चाहिए, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। अगर आपका बजट रेंज 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में है तो इस प्राइस रेंज में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं। सो दोस्तों ये था मेरा लिस्ट, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ही फोन परचेस कीजिएगा, आपका जो नीड है आप उसी के हिसाब से परचेस कीजिए। इन सारे फोन का बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सिवाय एक फोन का Realme 7, क्योंकि वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। सो दोस्तों यही था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक देखते रहिए टेक्निकल वत्सल यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक हैंडल में आप हमें फॉलो कर लीजिए। एंड दोस्तों अगर आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डील्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में आ जाइए, वहां पर हम आपके लिए हर दिन अच्छे अच्छे डील्स लाते रहते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।